चली गई माँ को देखने, पता नहीं कब आएगी। उसने अपनी बेटी मेरी भतीजी को भेज दिया जो बच्चे का ध्यान रख रही है, वरना मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाता। मैं काम पे कैसे जाता, बच्चे को कैसे देखता, सब ऊपर वाले की कृपा है। बेटा। बाबूजी आप आ गए। ये रख ले। बाबूजी जहाँ आप काम करते हैं वहाँ के लोग कैसे हैं? बेटा काम वाली जगह के लोगों के बारे में तो मत ही पूछो, इतने अच्छे लोग हैं। बेटा कुछ मत पूछो, इतनी इज्जत करते हैं। और राहुल जी, ऐसा मालिक भगवान सबको। दीपक बेटा क्या देख रहा है? माँ देखो ना, वो कितने सारे बच्चे फुलझड़ी जला रहे हैं, हम कब जलाएंगे? चल अंदर चल। माँ बताओ ना, माँ मेरे लिए भी फुलझड़ी लाओ ना, मेरा भी मन करता है। आज दिवाली है, सामने वाले बच्चे हर साल नए नए कपड़े पहनते हैं, खूब सारे पटाखे छुड़ाते हैं और खूब सारी खुशियाँ बनाते हैं, फिर हम भी मनाते हैं। बेटा जब से तुम्हारे पापा इस दुनिया में नहीं रहे, हमारे ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। इस उम्र में तुम्हारे दादाजी इतनी मेहनत करके दो टाइम की रोटी का जुगाड़ कर पाते हैं। मुझे पता है आज दिवाली है, पर हमारे पास तो एक दीज जलाने तक के लिए भी पैसे नहीं है। दादाजी क्या हुआ बेटा? दादाजी आज दिवाली है, मुझे भी खूब सारे पटाखे चाहिए, मुझे भी मिठाई खानी है। अरे बेटा तू चिंता क्यों कर रहा है, तेरा दादा अभी जा रहा है सेठ की दुकान पे, खूब सारी मिठाइयाँ लाऊंगा, इतना बोनस मिलेगा, खूब पटाखे मिठाइयाँ, जो तू भूलेगा बेटा तेरे लिए लाऊंगा। मेरे बच्चे बस मेरे को जाना है और मैं तेरे लिए लाऊंगा ढेर सारी मिठाइयाँ। बहू इसको अंदर ले जाओ। इस बच्चे को क्या बताऊं सेठ के बारे में, वो कितना कंजूस है, न जाने हमारी दिवाली कैसे बीतेगी, पता नहीं कितना गिड़गड़ाना पड़ेगा उसके सामने अपने हक के लिए, अपने बोनस के लिए। चलो चलकर देखता हूँ। बेटा अंदर को हो जा। दीपक तू कैसे? चाची तेरे घर में तेल है? तू तेल का क्या करेगा? चाची मेरे घर में एक दिए जलाने के लिए भी तेल नहीं है, मैं अपने घर में एक दिए जला के दिवाली मनाऊंगा। अच्छा अभी लाती हूँ। लाला जी दुकान कैसी चल रही है? दुकान बढ़िया चल रही है जी, मस्त, आप दोस्तों की कृपा है। और अपनी सुनाओ तुम, फैक्ट्री का क्या हाल है? फैक्ट्री बढ़िया चल रही है बस। भाई फैक्ट्री और मजदूर का तो इतनी हालत खराब है कि आदमी पैसे के पीछे फिर जाता है, काम करते नहीं है, तनख्वाह ले लेते हैं तो तीन दिन तक तो ये भी मत सोचो कि वो आ भी जाएंगे। लाला जी तुम सही कह रहे हो, मजदूरों का तो यही हाल चल रहा है। ना भाई ना, ऐसी बात ना है, मजदूरों की वजह से ही तो हमारी फैक्ट्रियां चल रही हैं। उन्हें अगर टाइम पे पैसे दोगे तो तभी तो हमारा काम करेंगे, उन्हें खुश रखना चाहिए। मालिक राम राम। हाँ काम हुआ हो? हाँ मालिक हो गया। खड़े क्यों हो, जाओ काम हो गया तो। मालिक आज दिवाली है, अगर आप कुछ पैसे दे देते तो मैं अपने पोते के लिए पटाखे और अपनी बहू के लिए मिठाई और कुछ कुछ कपड़े लेते ले जाता। मालिक तुम लोगों की दिवाली है, हमारी दिवाली नहीं है। सबसे बड़ा त्योहार दिवाली का आज के दिन हम कुछ नहीं देंगे किसी को भी, जाइए आप कर लेना। मालिक सालों से आपकी सेवा कर रहा हूँ और मेरा इतना भी हक नहीं कि मैं आपसे अपने काम का बोनस भी मांग सकूं। मालिक मैं क्या मुँह दिखाऊंगा अपने पोते को, बेचारा सुबह से राह देख रहा है। मालिक घर में दिया जलाने के लिए तेल तक नहीं है, मालिक कुछ तो रहम करो।
मालिक मेरे साथ इतना बड़ा जुलम ना करो। जाइए यहाँ से, जाइए, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, जाओ यहाँ से, कर लेना। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते। हे प्रभु, अपने पोते को क्या मुक्ति दिखाऊंगा, इतनी लाचारी। साहब, आपका पर्स शायद गिर गया था। थैंक यू। बाबा जी एक बात बताओ, आपके सामने इतनी मजबूरियां हैं, फिर भी आप मेरे पर्स लौटा रहे हैं। साहब, गरीब जरूर हूँ, लेकिन ईमान ही सबसे बड़ी दौलत है मेरी। अच्छा साहब। अरे बाबा रुको, ये लो बच्चों के लिए पटाखे और मिठाइयां लिया लो। साहब, गरीब जरूर हूँ, लेकिन बिना मेहनत के नहीं ले सकता। नहीं साहब, भले ही भूखा मर जाऊं, बच्चे भूख में बिलखते रह जाएं, लेकिन बिना मेहनत के बड़े बुजुर्ग सिखा गए, एक पैसा भी मेरे घर में नहीं घुसेगा। नहीं साहब, मैं भूखा मर जाऊंगा लेकिन भीख नहीं लूंगा। अच्छा बाबा सुनो तो, कहाँ रहते हो? साहब, मंदिर के पीछे छोटी सी झोपड़ी है, अकेला वही घर है जिसमें लाइट नहीं है। कितने ईमानदार आदमी है, और एक मेरे दोस्त, इसकी ईमानदारी की ये सजा दे रही। अगर मेरे पास होता तो कभी नहीं छोड़ता। दीपक बेटा क्या खा रहा है? माँ रोटी खा रहा हूँ। ले माँ तू भी रोटी खा ले। कहाँ से लाया? पूरे दाम से। हे भगवान, कैसे दिन आ गए मेरे कि मेरा बेटा कूड़े से रोटी उठा के खा रहा है। मैं एक रोटी तक नहीं दे सकती अपने बेटे को। ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? उठा ले भगवान मुझे भी। चल बेटा अंदर चल। दादाजी आ गए। दादाजी, दादाजी मेरी मिठाई कहाँ है? मैंने बम्पर टाके कहा। आजा बेटा आजा। बाबूजी
मुझे पता है सेठ ने आपको पैसे नहीं दिए। आप चिंता मत करो बाबूजी, सब ठीक हो जाएगा। आप ऐसे हिम्मत क्यों हार रहे हो? आप हिम्मत हार जाओगे तो इसे कौन संभालेगा? सब ठीक हो जाएगा बाबूजी, आप हिम्मत बना के रखो। दादाजी मुझे कुछ नहीं चाहिए। दादाजी मुझे मिठाई, मुझे बम्पर आगे भी नहीं चाहिए। बस आप मत रो। दादाजी तुम चिंता मत करो, मैं पड़ोस वाली आंटी से तेल लाया था। हम अपने घर में एक दिए से हम अपने घर में दिवाली बनाएंगे। बाबा जी नमस्कार। बेटे ये ले पटाखे और कुछ मिठाइयाँ। बाबू जी आप यहाँ? बाबा रो क्यों रहे हो, रो मत। साहब ये पटाखे और मिठाइयाँ देकर मैं गरीब का मजाक मत उड़ाओ साहब। मैं मजाक नहीं उड़ा रहा, आज से आप मेरी कंपनी के मुनीम हो। और ये लो एडवांस। कैसे कैसे देवता प्रभु तूने धरती पर भेजे हैं। मेरे को बाप से भी ज्यादा इज्जत देते हैं। राहुल जी इतने बड़े, इतने अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे हैं। मैंने ऐसा अच्छा मालिक आज तक नहीं देखा। अच्छा बाबू जी, कितना ख्याल करती हो अपने बाबूजी का। लो बेटा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, आपने मुझे बुलाया था? हाँ। आपने सर एक फाइल दी थी रीड करने के लिए, मैंने इसे रीड कर लिया है, एक बार आप भी देख लीजिएगा। हो गई? हाँ सर, मैंने रीड कर लिया है। ये तो सब ठीक है, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ। ओके सर। ध्यान रखना कंपनी का, ठीक है? ओके सर। ये लो। थैंक यू सर। ये अजय जी से कितना लेना है हमें? सर 8,19,418 रुपए। ये 8 लाख लिखा है आपने, 8,19,418 लिखा है, ये 6,19,418 है। सर वो चश्मा थोड़ा नंबर, इसमें मेरी गलती नहीं है। और 2 लाख का नुकसान कौन भरेगा? सॉरी सर, मैं ठीक कर दूंगा। अगर ऐसे ही 2-2 लाख का नुकसान करेंगे आप तो कंपनी कहाँ जाएगी? सॉरी थोड़ा एज का इफेक्ट लग रहा है। मैंने कितनी बार सर को समझाया कि ऐसे बुड्ढों को काम पे ना रखा करें, ये सर ना बस। आप एक काम कीजिए, आपसे काम नहीं होगा, ठीक है? आपके सॉरी से नुकसान नहीं पूरा होगा, ठीक है? कल से काम पे आने की जरूरत नहीं है, ठीक है? सॉरी सर। नो सॉरी वरी, गेट आउट। बाऊजी क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा। बाऊजी कुछ तो बात है, बताओ ना क्या बात है। बेटा क्या बताऊं,
नजर कमजोर हो गई, उससे थोड़ा हिसाब किताब में गलती हो गई और मैंने तेने उसी वक्त नौकरी से निकाल दिया। मेरे पे इल्जाम लगा दिया कि मैंने पैसों की चोरी करी है। बेटा मैं चोरी नहीं कर सकता। बाबू जी, राहुल जी कहाँ थे? वहाँ राहुल जी नहीं थे क्या? बेटा राहुल जी होते तो ये नौबत ही ना आती। वो काम से बाहर गए हैं, अब जब आएंगे तब कुछ बात करूंगा उनसे मैं। बाबू जी आप परेशान मत हो, कल मैं फैक्ट्री चलूंगी आपके साथ, मैं बात करूंगी राहुल जी से। मैंने आपसे कितनी बार कहा है वो आपसे नहीं मिलेंगे, जाओ यहाँ से। साहब जी। क्या है? गलती हो गई साहब। साहब जी माफ कर दो ना, गलती हो जाती है, बुढ़ापे का शरीर है, नजरें कमजोर हो जाती है, नौकरी से निकालोगे तो कहाँ जाएंगे इस उम्र में। आज के बाद ये यहाँ नजर नहीं आने चाहिए, समझे? ठीक है सर, चलिए यहाँ से, मैंने बोला था ना आपको, चलो यहाँ से। अरे जाओ ना। दादाजी। बोल बेटा, बोल बेटा। दादाजी मुझे पड़ोसी बच्चों की तरह स्कूल जाना है। बेटा अगले महीने करवा दूंगा तेरा एडमिशन। दादा आप रोज कहते रहते हो मैं एडमिशन का, मैं एडमिशन करवाऊंगा, करवाते हो नहीं, मुझे भी पढ़ना है, मुझे भी स्कूल जाना है। बेटा अगले महीने जरूर करवा दूंगा मैं। बेटा तेरे दादाजी की तबीयत ठीक नहीं है ना, जब दादाजी ठीक हो जाएंगे ना तो तेरा एडमिशन करा देंगे। अंदर चल। बाऊजी, बाऊजी, अरे देखो ना बाऊजी को क्या हो गया, अरे पता नहीं क्या हो गया बाऊजी को। बाऊजी, अरे कोई डॉक्टर को बुला दो, अरे कोई है क्या? क्या हो गया बाऊजी? दीदी क्या हुआ बाबूजी को? देखो ना बाऊजी को क्या हो गया, अभी तो बिल्कुल ठीक थे बाऊजी, पता नहीं क्या हुआ, कोई डॉक्टर को बुला दो बाऊजी। बाऊजी बाबूजी को हॉस्पिटल ले चलो। हाँ बिल्कुल, चलो चलो उठो बाऊजी। साहब कब तक ठीक हो जाएंगे? घबराने की कोई जरूरत नहीं है, दो तीन दिन हम रखेंगे, उसके बाद आप आराम से घर ले जा सकते हैं, जल्दी ठीक हो जाएंगे। देखिए उनकी हालत बहुत क्रिटिकल है। क्या हुआ उन्हें? उनको हार्ट की प्रॉब्लम है, अगर जल्द से जल्द ऑपरेशन नहीं हुआ तो कुछ भी हो सकता है। कितना खर्चा आएगा? यही कुछ 5 लाख। 5 लाख? ठीक है डॉक्टर साहब। ठीक है जी। क्या हुआ डॉक्टर ने क्या बोला? कुछ दादाजी कहाँ है? बेटा तेरे दादाजी की तबीयत खराब है ना, तो उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया है, ठीक हो जाएंगे ना। मुझे भी दादाजी के पास जाना है। हाँ बेटा जरूर, मैं लेकर चलूंगी, चल थोड़ी देर बाद चलेंगे, ठीक है चल।
और बाबा ठीक हो? कैसी है तबीयत अब आपकी? ठीक है। दवाई वगैरह सब टाइम से चल रही है? हाँ जी। चलो जल्दी ठीक हो जाओगे। क्या हुआ इनकी रिपोर्ट का? दिवाली सर पे है, पता नहीं गुजारा कैसे होगा घर का। बात चलेंगे ठीक है? ठीक है। बेटा चलो घर चलो। अच्छा दादाजी। हम यहाँ क्यों खड़े हैं? घर कब जाएंगे? बेटा राहुल जी से मिलने आए हैं। वो मिल जाते तो हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाती। भगवान हमारी इतनी परीक्षा क्यों ले रहा है? बुआ जी चलो ना, मैं बहुत थक गया हूँ। चल बेटा। कहाँ से आएगा इतना सारा पैसा? कैसे भरेंगे हॉस्पिटल के बिल? मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दीजिए ना। बेटा तू बैठ, मैं कुछ देखती हूँ। क्या दूं इसको खाने को? घर में ना चावल है ना आटा। कुछ तो करना पड़ेगा, उसे भूख लगी है। बेटा तू थोड़ी देर यहां बैठ, मैं देखती हूँ तेरे लिए कुछ खाने को लाती हूँ ना।
चाची चाची। हाँ बेटा। पता नहीं वो कहाँ चली गई। मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दीजिए ना। अच्छा बैठो बेटा, अच्छा बैठो, मैं अभी लेके आती हूँ। डॉक्टर साहब, मैं पैसों का इंतजाम नहीं कर पाई, मेरे बाबूजी का ऑपरेशन कर दीजिए ना। देखिए ऐसा नहीं होता, मैंने बहुत कोशिश की। देखिए हमारी भी कुछ मजबूरियां होती है मैडम। डॉक्टर साहब प्लीज उन्हें बचा लीजिए। सॉरी सॉरी, कुछ नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब प्लीज, आप जाइए मैम, जाइए। अरे सुनो जी, यहाँ पे रामपाल जी रहते थे, उनकी फैमिली को कोई नजर नहीं आ रहा। धर्मपाल जी? जी उनकी तो बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो रही है। कैसे? हॉस्पिटल में बहुत सीरियस हालत है उनकी। क्या क्या हो रहा है ये सर? क्या हो रहा है? कुछ नहीं सर। बाबूजी कहाँ हैं? सर वो हिसाब में कुछ गड़बड़ किया था तो मैंने छुट्टी कर दी सर। क्या गड़बड़ी की है उन्होंने? सर कई जगह दो दो लाख का गड़बड़ था तो। बस दो लाख का? यस सर। आज जो 50 करोड़ का प्रोजेक्ट जो मिला है वो उन्हीं की सोच का नतीजा है। I'm sorry, सर। तुम बुजुर्गों का सम्मान करना कभी जानते ही नहीं। तुम जानते हो बुजुर्ग क्या होते हैं, उनकी सोच उनका तजुर्बा हमसे कई ज्यादा बेहतर होता है। तुमने तो बस बोल दिया कि वो हिसाब किताब में गड़बड़ कर रहे थे। I'm sorry, सर। पर तुम क्या जानो वो मेरे लिए क्या है? तुम जानते हो वो मेरे बाप से बढ़कर है। I'm so sorry, sir. Sorry, sorry. जरा सी गलती की वजह से उनकी क्या हालत हो रही है? वो कौन सा हॉस्पिटल में है? सर वो
ज्ञान विजयश्री हॉस्पिटल। चलो आओ मेरे साथ। चलो यहाँ से, पैसे है नहीं, आ जाते हैं ना जाने कहाँ कहाँ से, हैसियत है नहीं बिल्कुल भी। जा रहे हैं डॉक्टर साहब। बाबूजी मुझे माफ करना, इस नलायक की वजह से आपको इतनी परेशानी का सामना करना। नहीं सर, इसकी कोई गलती नहीं है, शायद मेरा समय ही कुछ खराब था। बाबूजी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इसमें माफी वाली कोई बात ही नहीं। और सुन, जितने भी पैसे लगे इलाज में वो मैं दूंगा, इनके इलाज में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ओके सर। राहुल जी सच बताऊं, मेरा अपना सगा बेटा भी होता तो इतना कुछ ना करता जो आप मेरे लिए कर रहे हैं। अरे नहीं बाबूजी, ऐसे क्यों कर रहे हो? अरे कोई बात नहीं बाबूजी। बेटा एक वो भी दिवाली थी, एक ये भी दिवाली है, आप हर दिवाली मेरे भगवान बन के आते हो बेटा। अरे ऐसी कोई बात नहीं है बाबूजी, आपको लंबी उम्र दे।